ज एन एक्टर तो तुम दस फिल्मे सौ फिल्में कर लोगे मगर ये जो फीलिंग था शो दैट योर कंट्री इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड पीपल आर सल्यूटिंग योर कंट्री जनगणना मैंने चलो सब दस हजार पब्लिक खड़े रहकर इंडिया को सल्यूट कर रही थी आपकी वजह से बताऊँ जब मैं गया था यशराज आफ्टर महाभारत के टाइम पर तो मुझे ये फीडबैक आया था वहाँ से आज कोई भी देखता है

और मैं गणपति जी को बोल रहा हूँ कि आ, मैं सेकंड आऊंगा क्या मालूम नहीं मेरे को और मैं नीचे देख रहा हूँ काश मैं फर्स्ट आता और उसी में उसका आया कि सेकंड थाईलैंड वाले को मिला एंड द फर्स्ट हु बिकेम और मैं ऐसा शौक में ऐसा <laughs> 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 बड़ी बड़ी बातें शो का नाम है मेरा नाम राजन है मेरे साथ हैं ठाकुर अनूप सिंह हिंदुस्तान की फिटनेस की दुनिया के हैंडसमनेस की दुनिया के मॉडलिंग के दुनिया के एक्टिंग के दुनिया के डाइट के दुनिया के और पता नहीं कितने दुनिया के बेताज बादशाह ताज नहीं है इसलिए बेताज बादशाह लेकिन है बादशाह ठाकुर अनूप सिंह स्वागत है आपका बड़ी बड़ी बातें विद मित्रजन में कैसे हैं आप ऐसे धा इंट्रोडक्शन के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मजा है आपको सुन के ऐसी तारीफें कुछ कुछ कहीं सुनने मिल जाती हैं तो जरा यही इसी के लिए तो काम मेहनत करते हैं ये। तो ये? मेरे को फिर ठीक है दो मिनट पहले इनसे बात होती है जर्नी पे मैं आऊंगा तो आप लोग परेशान में कॉमेंट में लिये की जल्दी जर्नी आओ जर्नी पे आऊंगा तो अपनी जिम वाली बात बता दो मुझे बता रहे कौन सा आप जिम करते हो जिम करते तो क्या होता अरे कुछ नहीं वो ये मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सा आपका फेवरेट गाना है जो ज्यादातर आप सुनते हैं तो मैं यही बता रहा था आपको थोड़ी देर पहले कि जब भी वर्कआउट कर रहा होता हूँ अक्सर लोग वर्कआउट करने के टाइम पे बहुत हैवी रॉक मेटल म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं मोटिवेटेड के लिए जितना लेकिन हैवी मैं मारता हूँ उतना ही सॉन्ग मेरे दिमाग पर फुल वॉल्यूम में चल रहा होता है समथिंग लाइक ठुकरा के मेरा <laughs> मेरा इंतकाम देख ऐसे टाइप के गाने ये तो है फिर इसमें तो पड़ेगा इसमें तो हैवी वेट ही जाएगा इसमें तो हैवी वेट ही जाता है ना तो हैवी वेट ही जाएगा <laughs> तो ऐसे <थुक रा> <laughs> मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी <laughs> तो ये ये फिर एक दिन <laughs> क्या हो गया म्यूजिक बंद हो गई जिम की अचानक से अच्छा और मेरे हेडफोन पे लाउड चल रहा है बगल वाले ने सुन लिया तू प्यार का सा

मजा नहीं आ रहा ठाकुर <laughs> अनूप सिंह नाम हो तो ऐसा हो क्या कहवाना पसंद करेंगे खुद को अब? मैं एक राजपूत हूँ हमारे पूर्वज सारे उदयपुर के हैं और, तो अक्सर रॉयल्टी और ये सब चीजों में हमेशा मेरा बहुत अट्रैक्शन रहा है तो पहले से ही सोच के रखा था कि जब एक्टर बनूंगा

बस जैसा कि मैंने बताया ओरिजिन सा खाली राजस्थान के ग्रैंडफादर हमारे उदयपुर के थे आ, वरना तो मैं बॉर्न बॉटर बॉम्बे का ही हूँ बॉम्बे जी जी बिल्कुल बॉम्बे में कहा बॉम्बे में आई स्टे एट अंधेरी ईस्ट विद माई फैमिली अच्छा हाँ जी तो राजस्थान का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी जिंदगी के अंदर और बॉम्बे का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन राजस्थान का मेरे डी में कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे, मेरे पूर्वजों से आया हुआ है और कहीं ना कहीं हमारी कल्चरल वैल्यू जो है आज की तारीख में हमारे खानदान में हमारा जो रहन सहन है वो सब आज भी वैसे ही इन्फ्लुएंस्ड है हमारा कल्चरल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉग है और आज भी हमारे घर में हमारी फैमिली में हमारे खानदान में कल्चरल वैल्यूज को हम बहुत मानते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक राजस्थान का एक जिक्र आता ही है क्योंकि सबके एटीट्यूड भी राजा जैसे ही है घर में पापा भी एकदम राजा की तरह ही हैं ही विल टॉक टू वेरी लिमिटेड बी अराउंड विद लिमिटेड पीपल तो बॉम्बे का कंट्रीब्यूशन मेरी कर्म भूमि बोलूँगा hmm. जन्मभूमि भी hmm. क्योंकि uh, यहीं से स्कूलिंग हुई hmm. यहीं से कॉलेज हुआ hmm. कॉलेज के लिए पूना गया फर्ग्यूसन कॉलेज कौन सा कॉलेज फर्ग्यूसन कॉलेज इस नाम का कॉलेज भी है हाँ तो बहुत टफ नाम है बोलने के One लिए कौन सा नाम है फर्ग्यूसन

हां मान लिया सॉरी माफी चाहूंगा उस लेकिन वो अगर नहीं होता तो शायद मैं अपने अंदर बैठ के वो रियलाइज नहीं करता कि लाइफ कुछ और हिंट दे रही है करने का जो कि अंदर से कहीं ना कहीं एक शौक था लेकिन उस सोचा नहीं था कि इसमें मुझे सीरियसली जाना चाहिए बिकॉज़ ब्रेन वॉश ऐसा किया गया था कि सैलरी नहीं है पैसे नहीं आते किसने किया था ब्रेन वॉश ब्रेन वॉश अपने आप कुछ हालातों से जब मैं एडवाइस ले रहा था इंक्लूडिंग फैमिली तो ये बोल सबके एडवाइस तो यही आए गर गर कि यार पैसे आना जरूरी है तुम्हारी मंथली सैलरी होनी चाहिए तुम कहाँ एक्टिंग में ये सब और कोई पूरे खानदान का को कोई आदमी नहीं है एक्टिंग में कोई नहीं है सारे ज्यादातर लॉयर्स हैं डॉक्टर्स हैं आर्मी में सी आर में थे लेकिन आप ये बताओ फ्लाइट में जैसे मैं भी बैठता हूँ मेरी तो टर्बुलेंस में ऐसी कम तैसी हो जाती है

और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ है, जो हमने किताबों में पढ़ा है वो हमें दिखता है कि कैसे हैंडल करना है कितनी कम विजिबिलिटी में कैसे आपको लैंडिंग करवाना है उसके नहीं। नहीं। लिए पहले सिम्युलेटर पे प्रैक्टिस की जाती है सिम्यूलेटर पे ऐसे सिमुलेशन की जाती है कि आपको बस रनवे लास्ट मिनट पर ही दिखना चाहिए नहीं। नहीं। तो कैसे आएंगे अप्रोच कैसे करेंगे बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं वो सारे पढ़े हमने उसके बाद ऑन फील्ड गए प्लेन लेके जाना पच्चीस तीस घंटे की वो ट्रेनिंग होती थी चेक करने के बाद एक प्रॉपर चेक पायलट को हमें बताना पड़ता था कि आई एम केपेबल ऑफ फ्लाइंग दिस प्लेन ऑल अलोन वो 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 भी worst weather conditions में तो 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 करना ही इतना difficult होता था लेकिन वो पास किया उसके तो उसके बाद आपका चेक, मतलब उसके बाद आपका आपका मतलब धीरे-धीरे ऐसे किक लेवल्स आपको पार करने पड़े तो महीने महीने के अंदर मैंने ये पूरी खत्म कुछ लोगों को साल डेढ़ साल के ऊपर लग जाता है कोई आपको दिन याद आता है जब आप ऊपर थे आसमान में और आपकी आपको डर लगा जब मेरी लग गई क्या हुआ क्या होता है हमारे पायलट ट्रेनिंग में ना एक ऐसा फेज भी आता है जहां पर आपको सोलो फ्लाइंग करनी पड़ती हाँ, पायलट आपको लॉक करना होता है सौ घंटे सोलो होने चाहिए वो तो रोज हम लोग फ्लाइट प्लान बनाते थे आज मैं यहाँ से जाऊंगा वहां पे जाऊंगा सब कुछ फ्लाइट प्लान रजिस्टर करना पड़ता था गवर्नमेंट के साथ एफ गवर्नमेंट के साथ और फिर वापस आता था वहां जाके रिफ्यूल करके वापस आता

प्रोसीजर है अंदर घुस के रनवे पे लैंड करने का वो अलग है मेरी आँख लग गई ना नहीं नहीं मैं खा रहा था मस्त में अपने चिप्स और अच्छा सीट पीछे किया हाँ। बस मॉनिटर करते 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 धीरे धीरे बंद हुई मून इतना खूबसूरत दिख रहा है इतना जबरदस्त आई वॉज एंजॉइंग और मैं सो गया सर सोया और जब मेरी आंख खुली कम से कम थर्टी फाइव मिनट के बाद तो मैं देख रहा हूँ और वो कोस्टल रीजन था तो कोस्ट पे था अपना एयरपोर्ट मेरा जहां उतरना है मुझे वहां से मैं और पंद्रह बीस मिनट आगे चला जा, जा चुका हूँ समुन्दर पे आप नीचे अंधेरा समुन्दर पूरा ऊपर अंधेरा आसमान सडनली मेरी जब आंख खुली देख रहा हूँ तो मैं जीपीएस तो जीपीएस पर तो दिखाई नहीं रही है जमीन तो मैंने जूमआउट करके देखा तब जाके देखा जूमिन तो बहुत पीछे गई और फ्यूल मेरा अभी कम हो रहा है शुरू जय हनुमान आज <बचा> ले भगवान <laughs> मैं सो गया मुझे भी नहीं <laughs> 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 टाइम पर हार्डवेर ऐसी पे लैंड करते कितना प्रोसीजर परेशान <laughs> <laughs> बिल्कुल वैसा वाला था मेरा <laughs> <laughs> फ्यूल गेज को देखना ये देखना लाइटें देखना रनवे देखना रनवे मिला कि नहीं फोन नहीं करे थे रात के तीन बजे तीन बजे कैसे उनको अपने प्लेन और पायलट की चिंता नहीं थी

तो मैं बोला चलो पहुंचू जैसे तैसे हाँ। जैसे फिर मेरी वो जमीन दिखी मुझे था, पे कंट्रोल टावर नहीं था। तो वहां पर क्या होता है पायलट कंट्रोल लाइटिंग्स होती है पूरे एयरपोर्ट की लाइटिंग्स आपके माइक के ऊपर होती है माइक्रोफोन पे तो माइक्रोफोन को अगर आप सात बार करोगे तो पूरी एयरपोर्ट की लाइट चालू हो जाती है तो वो एग्जैक्ट सात मिनट के लिए ऑन रहती है उसी में लैंड करना है उसी में लैंड करना है अब मैं मुश्किल से वे वे की तरफ लैंड करने अगेन वापस से जाके अब लैंडिंग के टाइम पे अगर आपकी पूरी लाइट बत्तियां ऑफ हो गई समझ लीजिए फिर हैव टू गो टेक लैंड लैंड करने के बाद जाके मैं पहले प्लेन के पैर पड़ा गलती हो गई और मैं उस टाइम पर वो एक दिन था मेरे लाइफ का जो आज भी मैं बताता हूं डिफिकल्ट uh, था बिकॉज एज अ पायलट यू आर लर्निंग थिंग्स ना दिन रात आप फ्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा थकावट होगी हाँ। कुछ लोग मेरे कलीग्स लोग जाते थे दो दिन में एक बार फ्लाई करते थे पर मेरे लिए ये था कि टाइम वॉज फॉर मी पिताजी के पैसे उसमें लगे हुए थे तो आई हैड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट जितना जल्दी जली मैं कर सकूं उतना जल्दी मैं इंडिया जा सकूं उतना जल्दी मैं पेपर्स पास कर सकूंगा तो मेरा लाइसेंस आएगा लाइसेंस आएगा तो मैं एयरलाइन में अप्लाई कर सकूंगा

नहीं मैंने ये चीज अगले दिन ए, इंस्ट्रक्टर को बोला आ, कि कल मेरा ऐसे सा हो गया था हाँ। क्योंकि फ्यूल कभी हमको हॉब्स रीडिंग होती अच्छा, थी तो बताना पड़ता था खर्चा निकालते हैं हाँ तो बोले अरे तुम सो गए थे <laughs> <laughs> तो बोले अभी दो दिन मैं आऊंगा साथ में अरे पर उसका भी तो खर्चा लग रहा है तेरे आने के भी चक्कर में

पहचान के हैं जिनका एक प्लेन पार्क है पर चाहूँ तो आज भी कर सकता हूँ हमारे दोस्त हैं गाड़ी नहीं ले पा रहे <laughs> इनके दोस्त हैं प्लेन पार्क करके बैठे हुए एक हमें शाम को दिन रात सुबह जॉगिंग करने नहीं जा पाते ये सुबह शाम प्लेन उड़ा रहे हैं यही तो जीवन में फर्क है सर इसी के लिए तो इंटरव्यू कर रहा हूँ क्या बात है फिर यूएस में कितने टाइम थे आप

फिर वो जैसी लाइसेंस मिला है और फिर अचानक से ग्लोबल जोश शुरू हुआ था mm. तो वहां से फिर मेरी तकदीर पूरी मैंने कर चेंज हो फिर मैंने कि से एक अंडरलाइनिंग कॉमन चीज क्या है mm. वो ये है कि मुझे अपने डिसीजन खुद लेने थे इसीलिए ऐसे करियर्स मैंने चुने जहां पर मैं अपने डिसीजन खुद लेता हूँ जहां पर मेरे पर वर्क प्रेशर हो टारगेट्स हो ये वो सब चीज़ें

लेकिन ऑडिशन नहीं दिया मैं वॉकआउट कर गया ये सोच के कि इससे प्रोडक्टिव नहीं होगा कुछ हाँ, इसमें कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो हाँ। तो पांच घंटे वेस्ट गए लेकिन अपने आप को ये बोलता रहा कि ये पांच घंटे वेटिंग भी किसी ना किसी दिन पे ऑफ करेगा आई वॉज एड पीक ऑफ दैट सैचुरेशन एक सौ उन्तीस ऑडिशन के बाद भी जहां जा रहा हूँ किसी ना किसी वाहिया बेवकूफ से रीजन के लिए शायद सिलेक्शन ना हो मुराल नीचे तो मुराल नीचे टू या कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी कमियां थी एक्टिंग hmm. पता नहीं था पायलट को अचानक से acting, तो कैमरा देख लिया थोड़ा सा कॉन्शियस hmm. हो गया चार hmm. चार लोगों को देखा लाइट होते हैं है hmm. है, hmm. है hmm. hmm. तो उनके शक्लें देखकर डायलॉग जाना करेक्ट डर के अरे साला होगा या नहीं रिजेक्शन का डर निकल गया और लगा की ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कॉल नहीं आएगा ना इतना दूर से आके झकमार के साला पांच घंटे मैं लाइन में खड़ा हूँ आई ओन दिस मोमेंट इफ आई कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा गाइस शुड बेटर बी क्वाइट इफ आई एम परफॉर्मिंग क्या होगा जैसे ज्यादा कॉल नहीं आएगा कोई बात नहीं।, नहीं मेरे लिए आया हूँ तुमको भी एक्टरों की जरूरत है मुझे भी तुम्हारी जरूरत है आज तुम एंटरटेन नहीं करोगे कल करोगे कल अच्छा हो जाऊंगा लेकिन आता था फाड़ देता था एकदम और सोचता था कि मुझे कॉल नहीं आएगा और चला जाता था दूसरा ऑडिशन की तरफ इत्तेफाक से एक दिन स्टार प्लस की महाभारत चालू होने वाली थी 2010 के बाद थी हमारी अब ये इंटरेस्टिंग चीज है बेकार लग रहा <laughs> <जाने> है <laughs> तो 2010 में ये ये ग्लोबल रिसेशन के बाद फाइनली एक दिन महाभारत आई और ऑडिशन आया ऑडिशन की लाइन आई कि एक अंधा व्यक्ति 22 23 साल का युवराज सबसे बड़ा होने के बावजूद उसे अंधा लगी मुझे जो मेरे साथ <laughs> तो जब मैं डायलॉग बोल रहा था एक्चुअल रो रहा था जब वहां वो मेरा कैरेक्टर ये भगवान से आर्ग्यू कर रहा कि मुझे अंधा क्यों बनाया क्या मैं इतना बुरा हुआ यहां मैं आर्ग्यू कर रहा था भगवान से क्या मैं इतना बुरा एज एन एक्टर हूं जो मुझे क्यों मेरे फेवर में नहीं हो रहा कहा तो मेरी फीलिंग्स तो वो कैरेक्टर के साथ मैच कर गई लोगों को लगा क्या रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दी है हाँ। <laughs> अरे रियलिस्टिक भी रियल में मैं परेशान हूं हाँ। और और रोल सब मिल गया मेरे को हाँ। अब मिला तो मिला मैं एकदम खुशी से घर पे एकदम नहीं दैट आई क्रैक धृतराष्ट्र आई गॉड तो क्या हो गया ये <laughs> आजा के तेरे तो को खुशी नहीं आजा के तेरे को वो अंधा मिला बैठ के पूछेगा क्या हो रहा है क्या हो रहा है बोला <laughs> लेकिन नहीं लीड है लीड ये थोड़ी है पांडव कर मैंने कहा हां हाँ, क्या बात कर रहे हो तो उन्होंने कहा आई हैव बीन फूल्ड या मैं बड़ा गया गुस्से में मैंने कहा साला मुश्किल से एक चीज मिली और वो भी ऐसा पता है आई अंडरस्टूड व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग महाभारत कि धृतराष्ट्र वाज द फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड तो मेरे पास एज एन एक्टर बहुत बड़ा स्कोप है परफॉर्म करने के लिए यंग इंट्रोड्यूस हो रहा हूं 22 mm. 25 पचास मेरे बच्चे होने के बाद बच्चे बड़े होने के बाद मेरे बूढ़ा बुड़, बुजुर्ग होने आ, के बाद तो आई वॉज आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन एट्थ एपिसोड ऑफ महाभारत एंड आई वॉज दैट टू हंड्रेड एंड फिफ्टी फिफ्थ एपिसोड तो यू कैन इमेजिन द ओनली कैरेक्टर हु लिव्ड ऑल थ्रू द महाभारत वॉज माई कैरेक्टर तो क्या खतरनाक स्कोप मिला परफॉर्म mm. तो दो साल महाभारत पढ़ी भगवद गीता पढ़ी अपने आप को बदला नेगेटिविटीज mm. सारी चली गई अंदर से mm. फिर लगने लगा कि यार आ, मैं जाता था ऑडिशन देने या कुछ काम से ये सोच के कि इसका मुझे फल मिल जाए परिणाम मिल जाए

So when I went into movies, hmm. एक सीन एक दिन में हो रहा है से, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया अभी दसवीं फिल्म शूट कर रहा हूँ मैं बहुत सारे एक्टर्स जो बाहर हॉलीवुड के भी है टफेस्ट पार्ट ऑफ फिल्म शूटिंग

फिजिक इतनी सुंदर बनती गई अपने आप अपने अपने आप विध ट्रेनिंग न्यूट्रिशन डाइट जाना मैंने ये सब चीजें ये सब आपने पढ़ा पढ़ा रिसर्च करा भी, और एक कोच भी है मेरे रोहित शेट्टी करी इज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर रोहित शेट्टी रोहित शेट्टी नाम है उनका इज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर ही इज माई ब्रदर्स फ्रेंड एंड ही टोल्ड मील ट्रांसफॉर्म योर फिजिक तो उसके साथ जाता था मेरे एंड

अब मैं अपनी जिंदगी खुद नहीं लिख रहा हूं अब वाला लिख रहा है। नहीं। मुझे नहीं पता मैं क्यों कर, कर रहा हूं मुझे मालूम नहीं।, नहीं लेकिन ये अब इंडिया के लिए करूंगा जुनून है इंडिया के लिए करूंगा तो मम्मी डैडी को बोला मैंने कहा चलो मेरे साथ देख तो लो मैं क्या करता हूँ क्योंकि न्यूज पेपर लगा हाँ मैं उनको लेकर गया मिस्टर वर्ल्ड

डैडी ने तो मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया तो और खत्म करिए क्या कर रहा है, है? को, को क्या? है? क्या? न्यूज थोड़ा सा आ गया था महाभारत का एशिया करके तो थोड़ा सा पॉपुलर हो गई थी है? चीज काफी पिकअप करने लग गई थी और फिजिक मेरी बोलने लग गई थी सब जगह सोशल मीडिया पे लेकिन अभी तक वो तहलका नहीं मैं था जो मुझे चाहता था बैंक लेकर गया मोम डैड को वहाँ पे था सामने बैठा है मैंने कहा डैड मैं आता हूँ अब बैक क्या हो रहा है सारे स्पॉन्सर्ड एथलीट्स हैं अलग अलग 47 कंट्रीज के एक से एक बैल सांड ऐसे तगड़े और उनको देख के लग रहा है वहाँ पे आ, आ, और मैं अपना वो फुल कवर आ, इंडिया का जैकेट में हूँ मेरी मम्मी तक दूर से देख के बोल रही है खा जाएगा इसको तो ये दो सेकंड में वो कैसा दिख रहा है वो इतना बड़ा <laughs> बोले मेरी मम्मी बोले अनु बेटा वो चल वापस इंडियन इंडियन आ, पेरेंट है बहुत क्यूट क्यूट होते हैं हैं पेरेंट्स यार लेवल पे है। प्लीज कट मत करना स्टोरी चलने हा, हा, हा। तो आ, 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 अभी पंप कर कर रहे हैं। आ, और मैं अपना अपना कोने में अकेले लाल धोती पहन के जो मेकअप वेकअप क्योंकि उसके एक हफ्ते पहले वाज डेटिंग समवन जिसकी शादी हो गई

और मैं yeah, और रात में ना चिकन बिरयानी दाल चावल खाऊंगा मेरे को दाल चावल के मैं मर रहा था सपने आते थे दाल चावल खा रहा हूँ मैं ब्राउनी खा रहा हूं मैं सपने आते थे ऐसे बताइए आंख खोलता था हाथ इधर रहता था मैं मतलब बॉडी इतना करीव कर रही थी मम्मी के हाथ में कोल्ड कॉफी थी वो ऑडियंस में देख के कोल्ड कॉफी को देख देख के मेरे को पीना है बाद में बाद में पीना है आग लगी हुई थी परफॉर्म किया परफॉर्म किया अच्छे से, से और थाईलैंड का जो आदमी था वो तीन साल से चैंपियन था अच्छा तो मेरा ये दिमाग में था कि उसी की होम है, उसको देंगे लो। भी दिखाना पर, ये है। वो नहीं लास्ट में हम दोनों हाथ पकड़े हुए हैं और मैं परेशान हूँ और मैं गणपति जी को बोल रहा हूँ की मैं सेकंड आऊंगा क्या मालूम नहीं मेरे को और मैं नीचे देख रहा हूँ काश मैं फर्स्ट आता और उसी में उसका आया था वाले को मिला बिकेम और मैं ऐसा शौक में ऐसा एंड hmm. फाइनली मेरे को उस टाइम पर जो है hmm. तब तक आई हेल्ड माई अप लेकिन जब वो फ्लैग ऊपर किया ना दोस्तों फूटे तब थोड़ा सा आंख से पानी ऐसा निकला hmm. तब पहली बार मालूम पड़ा कि सलाह एज एन एक्टर तो तुम दस फिल्म में क्या सौ फिल्म में कर लोगे मगर ये जो फीलिंग था योर कंट्री इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड

जब हो गया सब जीत गया जीत गया वायरल हो गया यहाँ पर सब जगह काफी लोगों ने डाला फर्स्ट इंडियन टू बिकम मिस्टर वर्ल्ड ये वो सब चीजें हो गई मैं फ्लाइट में आ रहा था तो एयर इंडिया के कैप्टन ने अनाउंस किया सबके सामने ओ, कि World, uh, us, पापा, पापा जस्ट उसके पहली वाली फ्लाइट में गए थे हाँ। लेकिन सब पब्लिक खड़े होकर तालियां हमारे लिए हमारी टीम के लिए और

मतलब मैं लास्ट ईयर आया था आपके पास hmm, hmm. आपने बोला यू टू बल्की hmm. मैंने कहा मैं आपको प्राउड फील करवाना चाहता था दिस तो इज आपने बोला था कि आपके असिस्टेंट ने उस टाइम पे कि hmm. बॉलीवुड में यू नो मोस्टली और श्रेडेड चाहिए hmm. ये उसका प्रूफ है दैट आई एम द श्रेडेड मोस्ट श्रेडेड मैन ऑफ द वर्ल्ड राइट तो ये शी सॉ द मेडल शी हग्ड मी शी सेड कांग्रेचुलेशंस आई मीन दिस इज क्रेजी

इतना किया कट्टू, वहां से पता नहीं नजर लगी पड़ी पूरी जगन्नाथ जी की साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं वहां से फिल्म का करियर जो शुरू हुआ रोग मूवी कर ली फिर सिंघम त्री कर ली सूर्या सर के ऑपोजिट में फिर अभी हम शूटिंग टेंथ फिल्म आजकल क्या खा रहे हो आप मैं तो सर अभी सुबह से लेकर रात तक का ब्रेकफास्ट इवनिंग स्नैक डिनर

कोई केला डाल देगा थोड़ा सा उसमें हनी डाल देगा चलेगा वो खा लिया अपना पेट फुल हो गया भागो जिम को फटक से क्योंकि वो दैट बिकम्स योर फ्यूल फॉर द नेक्स्ट टू आवर्स वर्कआउट किया दो घंटा आराम हुँ, से हुँ, जितना भी करना है आपको करिए कार्डियो के साथ करता हूँ मैं हुँ, वापस आता हूँ लंच होता है लंच में मेरे को पालक पनीर चाहिए चाहिए हाँ पालक पनीर डेली हाँ, बट पालक पनीर इज नॉट अनहेल्दी नो नो आई एम सेइंग डेली पालक पनीर ही चाहिए टेस्ट हाँ, मुझे तो अब क्योंकि अगर बॉडी को फंक्शन वेज पे चाहिए कर रही हूँ तो मैं वही चाहता हूँ बिकॉज वो टेस्ट भी अच्छा है हाँ। और पालक है मेथी है ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स मतलब हाँ। और सौ ग्राम कुछ अगर आप पनीर ले टोफू ले लो और थोड़ा सा ब्राउन राइस मैं ब्राउन राइस पे ज्यादा सर्वाइव करता हूँ बिकॉज मुझे व्हाइट राइस मैं अवॉइड करता हूँ और सब्जियां और फ्रूट्स चार बजे की डाइट में रखता हूँ जैसे कभी अभी आम का सीजन है तो एक आम खा सकते हो हाँ। अच्छा आम का जूस नहीं पीना है

उससे अगर फिजिक बनती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा उसको प्रोटीन को भी स्टेरॉइड बोल देते हैं हाँ, ये तो, तो, है। तो लाइक है ना तो आपको नॉलेज नहीं है जिस चीज की हाँ। कोई भी फलाना आदमी कोई पुड़ी बांध के चार गोली दे देगा हाँ। वो ले खा ले तेरी बॉडी मस्त हो जाएगी हाँ। अच्छा आपको फॉलो भी नहीं करना है आपको दारू भी पीनी है रात में जाके आपको दोस्तों के साथ हुक्का भी करना है आपको जिम भी करना है आपको उसका यूसेज भी करना है फिर बॉडी में अगर कुछ प्रॉब्लम आई कह रहे हैं बॉडी में अगर कुछ प्रॉब्लम आई देन यू ब्लेम इट ऑन द ट्रेनर यू ब्लेम इट फॉर यू डोंट ब्लेम यू ब्लेम अदर पीपल यू हैव टू स्टडी यो ओन बॉडी कि मेरे बॉडी में क्या जा रहा है उसके hmm. लिए मुझे क्या क्या रोकना पड़ेगा hmm. आज भी मैं पांच घंटे अगर इस, इस फिजिक को जो भी आप देख रहे हैं hmm. इसके लिए मुझे मॉर्निंग क्या बात है हाँ.

इट मेक्स योर फाइबर्स जैसे टिश्यू को जोड़ के मोटा करता है उसको ताकि मसल रिपेयर हो रहा है करेक्ट लॉकडाउन कैसा गुजरा आपका ये ये टाइम तो हम सब ने नया देखा है क्या रहा आपका लॉकडाउन में एक्चुअली मेरी एक फिल्म शुरू होने वाली थी 2019 में जिसके लिए मैंने पूरा 2019 दिन रात मेहनत करके अपनी फिजिक को ऑलमोस्ट 8% 7% बॉडी फैट पे लाया था मैं श्रेडेड था और ये bones. कितनी अभी अब ये हो सकती है दस से बारह अभी और कम करना है एक एक जाते जाते रुक गई क्योंकि लॉकडाउन जस्ट शुरू हो गया तो इनिशियली मुझे लगा कि पूरा साल मैंने डाइट पे रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाता हूँ और मुझे ये बोला गया था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि एक महीने का जाएगा हो जाएगा

रोज एक तीन कटोरे आते थे मेरे थाली में एक में पूरा भर के न्यूटेला एक में पीनट बटर एक में हर्शीज चॉकलेट स्प्रेड एंड आई स्प्रेडिटिंग एक 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 आप खाता था था और देखता महाभारत जो पेट निकला मेरा अभी लॉकडाउन में जो मैंने आज तक उसका फोटो डाला नहीं इंस्टाग्राम पे कभी जो कि आप मुझे दोगे वरना लोग थोड़े डिमोटिवेट हो जाएंगे मेरे को देख के लेकिन आप मुझे दोगे और मैं डालूंगा हाँ ठीक है आप इंटरव्यू में डाल मैं देना मैं, मैं, दे दे मैं बता रहा मेरा प्रॉमिस है मैं फोटो लेके वाली फोटो भी डालना जो भी मैंने नेक्स्ट वाली भी डालूंगा ऑफ कोर्स डालूंगा दो डालूंगा <laughs> बिफोर एंड आफ्टर डालूंगा सिर्फ बिफोर ही डालूंगा <laughs> लेकिन मजा बहुत आया खाना खा के

तो थोड़ा सा लॉकडाउन जब तो हल्का लीनेंट हुआ सितंबर के हुँ। आसपास हुँ। तो मैंने अपनी टिकट करवाई हैदराबाद की मैं गया और मैं ढूंढने लगा जो जो डायरेक्टर काम चालू करने वाले हैं फिल्मों की उनके सामने जाके बैठ गया मुझे काम चाहिए सर yes, मुझे फिल्म करना है अभी लॉकडाउन में मैं बैठ के पक गया मैं काम करना है, है.

गाने की जो मैंने आपसे शुरुआत में रिक्वेस्ट की थी आपने पूरी नहीं की अच्छा हाँ आप ट्रेंड सिंगर भी हो चुके हैं पहले सिर्फ आप बाथरूम में गाते थे

तू ही रे तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जी हूं? आ जा रे आ जा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको जान रे जान रे आजा दिल की जमीन पे तो चाहत है अगर अग मुझसे मिल जा तू या फिर ऐसा कर तरती से मिला दे मुझको तू ही रे तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जियो हाज रे आ जा रे आज दिल की जमीन पे तू <laughs> क्या बात है तालियां बजनी चाहिए प्लीज ऐसे नहीं हो सकता है तालियां बजनी चाहिए थैंक यू क्या बात है यार तुमने बोल दिया दिया मन से गा दिया। मैंने आंखें बंद करके क्या आंखें बंद करके मैं तो वही देख रहा था डिवाइन महसूस करना पड़ता हाँ है हां जाना पड़ता है ना कहीं जाना पड़ता है ट्रांस में जाना पड़ता है क्या बात है क्या बात है शुक्रिया 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 ठाकुर अनूप सिंह जी जी बड़ी बड़ी बातें में बात करके आपसे बहुत मजा आया मुझे भी बहुत अच्छा लगा मुझे ज्यादा आया मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ इसके पहले मुझे लगा था कि यार इतनी बढ़िया फिजिक है इतना बढ़िया नाम है दुनिया में सब कुछ है आदमी में एटीट्यूड होगा पर डाउन टू अर्थ हम्बल ये सब क्वालिटीज आपने अपने अंदर भरी हुई है मोटिवेटेड है फोकस्ड है मुझे नहीं लगता कोई दुनिया में वजह अगर दुनिया में इंसाफ है और ऊपर भगवान है सक्सेस आपकी नहीं होगी मैं मान नहीं सकता मैं मानने से सरासर करता हूं इनकार की सक्सेस आपकी नहीं होगी बहुत खुशी मैं आपको जाते थे जिस तरह का भी आप चाहें, काम चाहें परिवार प्यार वाइज चाहे जिस भी वाइज चाहे आपको वो पूरी तरह से मिले thank you, thank you. और ये हिंदी में एक वर्ड है सौभाग्य और इंग्लिश में वर्ड है प्लेजर ये दोनों मेरा है अरे ये दोनों आज मेरा बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच एब्सोल्यूट प्लेजर थैंक हाय ठाकुर आज का ये स्पेशल एडिशन जो भी इंटरव्यू आज हुआ है आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा इसे जरूर देखिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए आसमान इंडिया के शो बड़ी बड़ी बातें थैंक यू